आज मैं JEE 2026 वाले एस्पिरेंट से बात करूंगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा जो बहुत ही फनी लगता है। और आप अपने किसी भी सीनियर को भी सुनाएंगे ना ये वाला क्वेरी, वो आपको ऐसे हंसेंगे कि भाई क्या बोल दिया आपने। ठीक है, तो बेसिकली कई बच्चे ऐसे एक बात करते हैं कि यार हमने तो क्लास 11th में शुरू किया, एम आई टू लेट। ठीक है, वो ये नहीं पूछते एम आई टू अर्ली, नहीं ये भी नहीं पूछते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं कि यार अब तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने तो 11वीं में शुरू किया है। ठीक है, इसके बारे में बात करने का बहुत ही फनी टॉपिक मुझे लगता है, और स्पेशली अगर कोई थोड़ा सा ओल्डर पर्सन देख रहा है जो लेट से 2002 या उससे पहले बॉर्न है, उसको तो बहुत ही फनी लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, बात करते हैं इस बारे में। शुरू करने से पहले मेरे JEE 2026 कोर्स पर एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट आया है, आपको वो कोर्स केवल 7,500 रुपीज में मिलेगा टिल 4th of July। ठीक है, तो 4th of July तक आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहां से एक्सेस कर सकते हैं। यूजुअली ये कोर्स 15 to 20,000 का सेल होता है, बट वी आर लॉन्चिंग इट एट अ वेरी लो प्राइस, ओनली टिल दिस 4 डेज। और मेरे नीचे शॉर्ट नोट्स भी लिंक है जो फ्री है, वो भी आपको चेक करने चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब नोटिफाई कर देना फॉर बेस्ट JEE गाइडेंस। तो बात करते हैं इस टॉपिक की, क्या मैं बहुत अर्ली हूँ। एक्चुअली मैंने टॉपिक पता है क्यों बनाया, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू गेट अ टॉप रैंक इन 2 ईयर्स। तो नीचे किसी ने कमेंट किया कि एक छठी क्लास में एक ऐसा बच्चा जो कोटा में पढ़ रहा है छठी क्लास से, मतलब 11th का बच्चा जो छठी क्लास से कोटा में पढ़ रहा है, वो ये टाइटल देख के हंस रहा होगा, उसमें काफ़ी लाइक्स भी थे। मैं सोचा है बड़ी अजीब बात है, तो मतलब लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक ऐसा परसेप्शन है कि जो बच्चे छठी क्लास से कोटा में पढ़ रहे हैं वो लोग सबके सब 1 से 100 तक रैंक लाएंगे या 10,000 तक रैंक लाएंगे और आप लोग पीछे रह जाओगे। देखो, इससे बेकार कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं और ये बहुत ही वाहियात बात है। मैं इसका कारण बताता हूँ। देखो, तो लेट से आपको एक रेस ख़त्म करनी है, ठीक है, जिसमें आपको 10 किलोमीटर जाने और आपको 1 घंटा दिया गया है। अब आप अगर उस रेस को 10 मिनट में ख़त्म कर लेते हो या 1 मिनट में ख़त्म कर लेते हो तो भी आपको सेम ही प्राइस मिलेगा, और यदि आपने 10 किलोमीटर की घंटे की रेस आराम से तय की, लेट से आपको 1 घंटा मिला था और आपने 50 मिनट में ख़त्म की, तो भी आपको सेम ही इनाम मिलने वाला है। तो JEE में भी वैसे ही हिसाब किताब है कि JEE में इतने सर्टेन सिलेबस है, इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं और इतने नंबर लाने होते हैं। JEE एडवांस का कट ऑफ लगभग वही 50-60% अगर आप JEE एडवांस में ले आते हो कि बहुत ही अच्छी रैंक आ जाती है, और टॉप रैंक चाहिए तो 80% के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक आ जाती है। ठीक है, तो आप अगर उतने नंबर लिया है, दैट्स इट। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत पहले से सब सिलेबस करके बैठा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें महारत हासिल करनी है, और बाकी सब फाइनल डे के दिन गड़बड़ियां नहीं करनी है। यही 3 काम है JEE एस्पिरेंट्स के। तो अगर आपने ये 3ों काम कर लिए, इसके लिए 1 साल भी मोर देन इनफ है। पहली बात, अगर एक डिसेंटली इंटेलिजेंट बच्चा है और पूरी मेहनत करता है ना, उसके लिए 1 साल इनफ होता है JEE प्रेप के लिए। ये तो अभी 2 साल का फैशन चला है, बाकी आप 1990s में जाओगे तब पेपर और हार्ड आता था इससे। 1 साल में बच्चे JEE प्रेप करते थे तब, 12th में या फिर ड्रॉप ईयर में। 11th का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर 11th का कॉन्सेप्ट आया मे बी जब मैं पैदा हुआ, उससे थोड़े साल बाद जब मैंने कोचिंग करा, तब तब ये रिसेंटली चीज़ शुरू हुई थी कि लोग 2 साल प्रिपरेशन अप कर रहे हैं। ठीक है, और अब क्या हो गया है कि छठी क्लास से JEE प्रेप कर रहे हो, छठी क्लास से JEE प्रेप कर रहे हो, भाई कोई यूज़ नहीं उसका। ज़्यादातर बच्चे जो छठी क्लास से प्रिपरेशन करते हैं ना, ऐसे में बहुत बच्चों को जानता हूँ, मेरे बैच में भी बहुत होते थे, वो ना जबरदस्ती के इंटेलेक्चुअल बनने वाले बच्चे होते हैं, चश्मा लगा के बैठेंगे ना, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया का बोझ हमने उठा रखा है और कोई नंबर वंबर नहीं आने वाले उन बच्चों के। ऐसे बच्चों को देख के डिप्रेस होना बंद हो जाओ। ये बच्चे पूरी तरह से शो ऑफ बच्चे हैं, इनको कोई पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, इनके पेरेंट्स इनको फोर्स करते हैं लिटरली कि भाई कोटा जाके छठी क्लास से पढ़ो, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इनको पढ़ने में। और जिसको इंटरेस्ट होता है ना सच में, वो ऐसी फालतू की हरकतें नहीं करता है कि ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि भाई देखो मैं तो छठी से पढ़ रहा हूँ, वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करता है, अपनी प्रिपरेशन करता है और रैंक लेके आ जाता है। और ऐसे बच्चे बहुत ही गिने चुने होते हैं। मतलब क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि IIT के अंदर जो टॉपर्स होते हैं वो तो पहले से कुछ कर ही रहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो IIT बॉम्बे CS का बैच था, उसमें ऑलमोस्ट आई वुड से 50 to 60% बच्चे ऐसे थे जो पहले से अच्छे खासे अचीवर थे, जिनमें मैं खुद भी आता था। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी 9वीं 10वीं से काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा था। लेकिन क्या दुनिया केवल AIR 1 एंड फेलियर में डिवाइडेड है? नहीं, बीच में भी तो बहुत सारी स्पेस है। AIR 1000 क्या बुरी होती है, AIR 500 क्या बुरी होती है, AIR 9000 क्या बुरी होती है, क्या NIT बुरी होती है? नहीं। और ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप 1 साल में अचीव कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो 2025 एस्पिरेंट्स को भी बोलूंगा कि ये सब चीज़ें आप अभी भी शुरू करके अचीव कर सकते हो, आपके पास तो पूरा 1 साल एक्स्ट्रा है, राइट? तो ये फालतू के थॉट्स दिमाग से पूरी तरह से निकालो कि अरे यार हमने तो 11th में शुरू किया, हम तो बहुत लेट हैं। मतलब मुझे इतनी हंसी आई वो सब पढ़कर, नीचे कमेंट भी पढ़ रहे थे और लोग ऐसा भी कहते हैं, कल्पित क्या लोगों को मिसगाइड करता रहता है, हमने तो अभी प्रिपरेशन शुरू की है। जो बच्चे 8वीं क्लास से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनकी रैंक आएगी, भाई ठीक है तुमने मान लिया तो भाई रैंक नहीं आएगी, तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करो, यहाँ से दफा हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की। ठीक है, थोड़ा सा यार खुद में कॉन्फिडेंस भी तो कुछ होना चाहिए। और मतलब इट्स रियली फनी इफ यू थिंक अबाउट इट, लोगों को लगता है कि 2 साल में हम JEE क्लियर नहीं कर सकते,
मतलब क्या माइंडसेट है यार, मतलब क्या माहौल बना दिया लोगों ने, टीचर्स ने। और एक किसी बच्चे ने ये भी लिखा था, हमारे कोचिंग के सर कह रहे थे कि जो जेई का टॉपर्स होते हैं उनकी रैंक 9वीं और 10वीं से डिसाइड हो जाती है। भाई एक बात बताता हूँ, हर साल का जो जेई टॉपर निकलता है ना, हर साल का, आप पिछले 50 साल का डेटा निकाल लो, कभी भी ऐसे बच्चे की फर्स्ट रैंक नहीं आती है जो पहले से लोगों को प्रेडिक्शन होती है। हर साल एक बच्चे की प्रेडिक्शन की जाती है कि यार ये वाला बच्चा 10वीं में आया है, बहुत होशियार है यार, ये वाला बच्चा 11वीं में बहुत होशियार है, इसकी ही रैंक वन आएगी। और कभी उस बच्चे की रैंक वन नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। हर साल रैंक वन एक सरप्राइज रहती है। मेरी जब आई थी तब भी किसी ने नहीं सुना था, मेरा जब 360 वाला रहा था ना जेई मेन में, किसी ने नहीं सुना था कि भाई ऐसा भी कुछ कोई बंदा है, ठीक है। उस समय वो काफ़ी बड़ी बात थी, अब तो जेई मेन में क्या बहुत बच्चे फुल मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि पेपर 300 का कर दिया गया है। उस समय फुल मार्क्स का पेपर रहता था 360, 90 क्वेश्चंस का, तो तब उस समय 40-50 हिस्ट्री में किसी के नहीं आए थे, लेकिन मेरे बारे में किसी ने सुना भी नहीं था पहले। जबकि मेरे बैच में भी कई बच्चों की प्रेडिक्शन थी कि अरे और ये वाला बच्चा ये कर लेगा, ये वाला बच्चा ये कर लेगा, उनकी किसी को कोई रैंक नहीं आई। हाँ मतलब अच्छी आई ऑफ कोर्स, बट इतनी रैंक नहीं है कि उनका सबका नाम हो गया, राइट। तो हर साल सरप्राइज AIR वन होती है, और टॉप 100 में भी एटलीस्ट 40-50 बच्चे ऐसे होते हैं जो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेहनत, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ 11th एंड 12th अच्छी रैंक लेके आते हैं। और मैं यहाँ पे टॉप 100 की बात कर रहा हूँ, आप 500 हज़ार की तो बात ही मत करो, उसमें तो कितने ही सारे बच्चे होते हैं। और मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने दुनिया भर के ओलंपियाड निकाले हुए, दुनिया भर की पढ़ाई 9th 10th में की हुई है, उनसे पूरी दुनिया उम्मीदें लगा के बैठी थी कि भाई ये बच्चा तो जेई एडवांस में फर्स्ट रैंक से नीचे आने ही नहीं वाला है। और रैंक कितनी आई, 480, 990, 1500। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिसने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में मेडल जीता हुआ है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में मेडल जीता हुआ है, और उसकी जेई रैंक 1000 के बाहर ही, ठीक है। ऐसे बच्चे भी दुनिया में हैं। तो कोई पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, ठीक है। कौन सा खिलाड़ी कब चल जाए किसी को नहीं पता है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जितना ज़्यादा पढ़ा है उतनी अच्छी रैंक आएगी। जेई में इतनी रिक्वायरमेंट है, जेई में आपको 80 की स्पीड पर गाड़ी चलानी है, और उसके बाद आप मतलब देखो 80 की स्पीड पर गाड़ी चलानी है, अब कोई 200 की स्पीड वाली गाड़ी लेके बैठा हुआ है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको तो इतना ही करना है ना। अब कोई इतना तेज भाग रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, और उल्टा उसका एक्सीडेंट हो सकता है, आप सेफली पहुंच गए रास्ते पर, ठीक है। अच्छा एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा अचीवर बच्चे होते हैं ना पहले से, उनमें से कई बच्चे गवर्नमेंट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि अरे हम तो बहुत महान हैं, ये हैं वो हैं, मतलब थोड़ा सा बहुत होता है, और थोड़ा एक वो भी आ जाता है, ईगो भी होता है। अब जैसे जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा हो कभी कभी डाउट्स भी नहीं पूछता है, क्यों, उसको शर्म आती है कि भाई मैं तो टॉपर बच्चा हूँ, मैं कैसे डाउट पूछ लूँ। तो ऐसे कई चीज़ें छोटी छोटी रह जाती है, जबकि कोई नॉर्मल बच्चा है वो मेहनत करते करते डाउट पूछते पूछते आगे बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर वो शाइनेस नहीं है, उसके पास वो चिप ऑन द शोल्डर नहीं है कि भाई मैं तो कुछ पूछ नहीं सकता, मेरे को तो सब आता है। वो अपने आप को लूज़र समझता है, तो वो पढ़ता रहता है और मेहनत करके रिजल्ट ले आता है। आपको अगर लग रहा है कि मैं आपको ऐसी कुछ मिसगाइड कर रहा हूँ, तो चैनल छोड़ दो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। तुम उन लोगों को देखो जो तुम्हें कहते हैं कि 8वीं क्लास से जेई प्रेप नहीं की तो कुछ नहीं होगा, बहुत ही बकवास थॉट है ये। मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि लोग ऐसा कैसे सोच रहे हैं क्लास 11th में कि हम लेट हैं। मतलब आई फाइंड इट वेरी सैड एंड आई फाइंड इट वेरी फनी एंड इट्स अ वेरी वियर्ड थॉट प्रोसेस टू हैव। मैं चाहूँगा कि जो 2025 या 24 के बच्चे देख रहे हैं या और कोई सीनियर्स देख रहे हैं, नीचे प्लीज़ कमेंट करके अपनी स्टोरीज लिखो और बताओ लोगों को कि 1 साल कितना बड़ा टाइम होता है, और कितनी अच्छी रैंक इवन क्लास 12th में, इवन ड्रॉप ईयर में आ जाती है, लेट अलोन इन क्लास 11th। इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच विलिंग यू आर टू पुट इन द एफर्ट एंड स्टॉप लुकिंग एट अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत रैंक उल्टी सीधी रैंडम आती है, कोई ऐसे कोरिलेशन नहीं होता है कि अच्छा ये वाले बच्चे ने इतने मेडल जीते हुए इसकी इतनी रैंक आएगी, ये वाला बच्चा इतने दिन से पढ़ रहा था इसकी इतनी रैंक आएगी, ये वाला बच्चा इतना स्मार्ट था इसकी इतनी रैंक आएगी, अच्छा तूने 11th में शुरू की, हाँ भाई तू बक जा, तो NIT में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये थॉट्स निकाले अपने दिमाग से और पढ़ाई पर ध्यान दें। आगे और स्ट्रेटजी वीडियोस डालूंगा मैं अगले 3 दिन तक लगातार, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहे। और मेरे JEE 26 कोर्स में डेफिनेटली एनरोल आपको होना चाहिए, इतनी लो प्राइस पे हम उसको कभी नहीं रखते हैं, 7500 की हमने एक बार वापस से सेल लॉन्च की, अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक से उस कोर्स को परचेस करना। इस कोर्स को पूरा पढ़ोगे डेफिनेटली IIT जाओगे, और रैंक 1 से पढ़ रहे हो यार, और क्या चाहिए आप लोगों को, इससे बढ़िया और क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है, इससे बढ़िया आपको और क्या ट्रिक सीखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो यूज़फुल है ही, कोचिंग जाते हैं तो भी लेना, और काफ़ी चीज़ें सीखोगे उसमें। मैंने कई सारी अपनी पर्सनल ट्रिक्स डिस्कस की है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो मैंने खुद डिवाइस की हुई है, ठीक है। तो जाके उनको लेना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, एंड 4 जुलाई तक ले लेना, उसके बाद कीमत बढ़ जाएगी। फिर मत बोलना कि 15,000 रुपये की चीज़ क्यों बेच रहे हो हमें, अभी इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट 7500 फॉर द एंटायर 2 ईयर्स, 1 टाइम पेमेंट है, जेई एडवांस 2026 तक चलेगा। सो दैट वॉज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। नीचे मेरे फ्री नोट्स भी लिंक है और सोशल्स भी लिंक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। बाय।